subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तां दी सुपर कुकिंग शो में सब खैर सौंदा मज़ेदार रेसिपीज तां जे ला खणी ईंदा आहियूं। काफ़ी सारियूं फरमाइशूं तां जी पूरी कंदा आहियूं। सियारो भी अची रहियो आहे, फरमाइशूं भी पूरी कयूं पिया, जंहिंमें मच्छी जी काफ़ी सारी वैरायटी तव्हांखे ठाहिण सेखारी। त अॼु ठाहींदासीं मच्छी जा कोफ्ता, तमामु मज़ेदार ही रेसिपी। ऐं हुन सां गॾु हिकु गोल्डन मिल्क यानी हैड वारो खीरु ठाहींदासीं, जेको जंहिंमें माखी बि हूंदी ऐं तमामु फ़ाइदेमंद आहे चेस्ट कंजेशन, खंघ, ज़ुकाम जी हाणे मौसम हले पियो ऐं ह्यूमिडिटी खे बि वधाए थो। तमामु बहितरीन ही खीरु तव्हांखे ठाहिण सघंदमि। इहो गरम खीरु तव्हां पियो, पाण बि फैमिली खे राति जो रोज़ ठाहे ॾियो, तमामु बहितरीन आहे। सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदो। एनएक्स असां सां गॾु, एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर तव्हांजे साम्हूं यूज़ कंदा आहियूं। जेका बि रेसिपी पुछणी हुजे तव्हां मुंहिंजे पेज ते पुछी सघो था, त मैसेज करे सघो था ऐं हीअ रेसिपी सुभाणे रिपीट में ॾिसो। आज की जो हम रेसिपी बना रहे, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। फिश के कोफ्ते, फिश बहुत सारी आपको बनाना सिखाई, तो हम फिश के कोफ्ते बना रहे हैं, साथ ही गोल्डन मिल्क बना रहे हैं। गोल्डन मिल्क ये टर्मरिक और मीन्स के हल्दी और इसमें शहद जाएगा, हल्दी जाएगी और दो तीन मसाले जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। गोल्डन मिल्क की आप डेली बना के शाम में पी सकते हैं, दूध का एक कप भी पियेंगे तो बहुत है, पूरी फैमिली को बना के दें, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी। कल 12 बजे रिपीट चलेगा, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कोई भी फरमाइश करनी है, कुछ भी पूछना पूछ सकते हैं। एनएक्स हमारे साथ है, एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर आपके सामने यूज़ करते हैं। किचन में चलेंगे, रेसिपी करेंगे स्टार्ट, फिश के कोफ्ते। ठीक है, फ़िश के कोफ्ते बनाने के लिए फ़िश आपने बोनलेस लेनी है। ठीक है, बोनलेस नहीं मिलती तो आप एक कांटे वाली फ़िश लें, लेकिन अच्छी हो, बड़े साइज़ की फ़िश हो, उसमें से आधा किलो हमें बोनलेस चाहिए फ़िश। ठीक है, और बोनलेस भी मिल जाती है, फ्ले भी मिल जाते हैं, आप वो ले सकते हैं। तो हमारे पास ये फ़िश है, इसको तीन मिनट सिर्फ बॉयल किया पानी में। ठीक है, पानी को बॉयल करेंगे, 3 मिनट फिश डाल के उसको निकाल देना, ज़्यादा नहीं पकाना। ये वाइट हो गई, आपको शायद चिकन लग रही होगी लेकिन चिकन नहीं है, फ़िश है। ठीक है, मच्छी 1/2 किलो बग़ैर हड्डी जे, बग़ैर कंडन जे आहे। ठीक है, अगर कंडे वारी आए तो वो भी 1/2 किलो पीस खणी वठिजो, विच वारो पीस खणिजो जंहिंमें गोश्त वधीक हुजे। ठीक है, हुनखे तव्हां बॉयल कंदो। बॉयल करण जो तरीक़ो छा आहे कि 3 मिंट पाणी बॉयल करी, 3 मिंट तव्हां हुनजे अंदरि सिर्फ़ु मच्छी विझी कढी वठंदो, थधी थींदी, हुनजी खल लाही छॾिजो, हुनजा कंडा सॼा कढी छॾिजो, लेकिन हे बग़ैर कंडन जे आहे। ठीक है, त हिनखे असां बसि हीअं हल्को सो बॉयल कयो। ठीक है, अगरि बोनलेस नहीं है, सुरमई ले लें, दोथर ले लें, रहू ले लें, जो भी आपको मिल जाए ना, अच्छी फिश हो, 1/2 किलो जितना पीस ले लें सेंटर का, बाकी सालन के लिए रख दें। उसमें से आपने क्या करना है, इसको हल्का सा पानी बॉयल होगा सिर्फ 3 मिनट के लिए, पानी को बॉयल करके 3 मिनट के लिए आपने फ़िश को डाल के निकाल देना है, उसके अंदर से फ़िश को ठंडा करना है, फिर उसके अंदर कांटे हैं तो सारे कांटे आराम आराम से करके निकाल दें और उसके बाद उसकी स्किन भी हटा दें। ठीक है, ये सारा साफ़ करके आपने रखना है, लेकिन इसमें कांटा नहीं है तो ये बिल्कुल गोश्त की तरह है, ये बोनलेस थी। ठीक है, इसको हम चॉपर में चलाएंगे। अगर चॉपर नहीं है तो आप हाथ से भी बारीक बारीक चूरा कर सकते हैं, इसको इमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं, सिलबट्टे पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर चॉपर तव्हां ना है तो उखरी मोरी में भी कुटे सघो था कोफ्तन जो मसालो, ये सिलबट्टो हूंदो उनजे मथां भी करे सघो था। ठीक है, ये असां वटि आहे चॉपर नेक्स्ट जो। ठीक है, हिन में सभिनी खां पहिरीं असां छा विझंदासीं, सभिनी खां पहिरीं असां विझंदासीं 1 ॻंढु बसर जी, 1 अदद प्याज हम इसके अंदर डालेंगे मीडियम साइज़ का। ठीक है, 1 अदद प्याज, 3 खाने के चम्मच हरा धनिया और 3 अदद हरी मिर्चें, 3 अदद सावा मिर्च। ठीक है, ऐं 3 खाइण जा चमचा सावा धाणा, ऐं हुन सां गॾु मां हिन में छा विधो आहे, बसर 1 ॻंढु। ठीक है, हिनखे हलाए छॾंदासीं, लेकिन अगरि तव्हां वटि इहा मशीन न आहे त पोइ तव्हां हिनखे उखरी मोरे में कुटे वठिजो। ठीक है, अगरि आपके पास इहा मशीन नहीं है तो आप इमाम दस्ते में कूट लें या उसको सिलबट्टे पे पीस लें। ठीक है, ये देखें बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कुटा हुआ होता है प्याज। ठीक है, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अब हम इसमें डालेंगे फ़िश के पीस, बोनलेस हैं, आपने कांटा निकाल के फिर आपने डालना, अगर नहीं है तो हाथ से बिल्कुल चूरा कर दें उसका और उसको कूट लें। ठीक है, फ़िश को, अगर मच्छी तार हिन तरीके जी ना ही मिली वेंदी है बोनलेस भी, ठीक है, अगर ये ना है
अच्छा फ्रोजन मिलंदी त फ्रोजन जेको मिलंदी है बोनलेस मॉल्स में मिलंदी है त हुनखे छा कंदो पानी में पिसाए रखजो 10 का 15 मिनट हुनमा बर्फ निकरी वेंदी पोनके बॉयल कजो ठीक है 3 मिनट बर्फ सा गड बॉयल ना कजो ठीक है अगर बोनलेस आपके पास मिलती है आपको मार्केट में जैसे पैकेट्स में मिलती है बोनलेस मॉल्स में मिलती है तो वो आप अगर यूज करेंगे तो उसको आपने क्या करना है कि आपने बर्फ पहले उसकी निकाल देनी है ठीक है पहले आपने उसको नीम गर्म पानी में रख देना है जब उसकी बर्फ़ निकल जाएगी फिर उसको निचोड़ के मछली को उसका पानी निकल जाए फिर उसको आपने 3 मिनट बॉयल करना है अब इसको हम चला लेंगे हलाई छड़ी चंगी तरह आई हाने इन जंदर मसाला भी जंदा सी जेके हे दिखा के दिखा रहा तो जमे छाछा है हते आए कारा मिर्च कुटियल अध चाय जो चमचो जीरो कुटियल एक चाय जो चमचो लून अध चाय जो चमचो पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो पीठल दाणा एक चाय जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो आई हेड अध चाय जो चमचो गरम मसालो पाउडर एक चाय अध चाय जो चमचो ठीक है काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर एक चाय का चम्मच नमक आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चाय का चम्मच धनिया पाउडर एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा कितना आधा चाय का चम्मच ये सारे मसाले डाल दिए इसके साथ हम इसमें डालेंगे लेमन जूस लीमे जो रस विजंदासी 1 टेबल स्पून जितना लेमन का जूस पी जाएगा इसमें ठीक है एक खाने जो चमचो लीमे जो रस बहुत मज़े के बनते हैं फिश कोफ्ते ठीक है अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच 1 टेबल स्पून अदरक थूम जो पेस्ट या सिर्फ थूम जो पेस्ट ठीक है अदरक लहसुन का पेस्ट या सिर्फ लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच अगेन इसको चलाएंगे एक दफ़ा और फिर से निकाल देंगे ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया इसे हम एक बॉल में निकालेंगे कोफ्ते बनाने के लिए हाने हिकड़े प्याले में ये सजो मिक्सचर कटंदासी कंडा सफ़ा साफ़ करे छो कंडा ना होजन खपन ठीक है इन जो ख्याल रखो डाटो था इसमें कांटा नहीं होना चाहिए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि कांटा नहीं होना चाहिए ठीक है कोफ्ते के अंदर ये सारा मसाला निकाल दिया मशीन हटा देते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर डालेंगे चनों का पाउडर ठीक है ये हैं भुने हुए चने ठीक है भुने हुए चने इसका पाउडर बना लें छिलका हटा के और पाउडर मिलता भी है ठीक है ये हम डालेंगे इसमें 6 खाने के चम्मच भुगड़न जो पाउडर भुगड़ा छिले उनके पाउडर करी छो मशीन में पीसे ये पाउडर असान में विझंदासीं 6 खाने जा चम्मच ठीक है इसी से बाइंडिंग होगी 6 टेबल स्पून हमने चने का पाउडर मिला दिया इसके अंदर अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे अगर आपको ये थोड़ा ड्राई लगता है तो हल्का सा पानी का छींटा देंगे ठीक है क्योंकि फिश ड्राई होती है बोनलेस है हल्की सी बॉयल हुई हल्का 2 टेबल स्पून पानी का छींटा देंगे इसमें ज़्यादा नहीं ठीक है बखाने जा चमचा पानी जो छंडो हनी छो 1 टेबल स्पून और डालेंगे ये हो जाएगा 2 टेबल स्पून पानी ठीक है इसी तरह आप कीमा भी बना सकते हैं ठीक है इसी तरह मसाले सारे पीस के फिर आपने क्या करना है ऑयल गरम करके और उसमें आपने इसका कीमा बना लेना है फिर दही डाल के इसको भून लेना है बहुत मज़े का बनता है फिश का कीमा भी ठीक है लेकिन उसमें चनों का पाउडर नहीं जाएगा ये हमारे हो गए कोफ्तों का मसाला तैयार अब हम क्या करेंगे बल्कि एक बॉल में पानी रखते हैं हाथ गीला करके इसके कोफ्ते बनाएंगे और फिर उसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे इस तरह मीडियम साइज़ का
अच्छी तरह प्रेस करें, चंगी तरह प्रेस कंदो, हथ आलो करें, पानी से भी करी सको था आई ऑयल से भी करी सको था। ठीक है, एक प्लेट ले लेते हैं, इसके कोफ्ते बना के फिर हम इसे डीप फ्राई करेंगे। अगर आपको लग रहा है ये टूट रहे हैं तो फिर आप हल्का सा इसमें पानी का छींटा और दे सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन तरीके से कोफ्ता ठाईंदासीं, आई पॉइंट के फ्राइंग पैन में असा फ्राई करनासीं। ठीक है, इसका सिर्फ कलर देना होगा क्योंकि ये कोफ्ते सालन में जाके भी फ्राई होंगे पकेंगे, तो इसलिए इसको ज़्यादा आपने पकाना नहीं है, बस इसको कलर देना है हमने फ्राइंग पैन में। काफ़ी सारे कोफ्ते बनेंगे, छोटे बनाएंगे नो मीडियम साइज़ के बनाएंगे तो 12 बनेंगे, और छोटे अगर बनाएंगे तो फिर आप इसमें ज़्यादा बना सकते हैं, इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, कोफ्तन के तां फ्रीज़ भी करे सको था इन क्वांटिटी में, तव्हांजा 12 कोफ्ता ठहंदा, ऐं अगरि तव्हां नंढा ठाहिणु चाहियो त 15 खां 18 कोफ्ता 20 कोफ्ता बि ठाहे सघो था। ठीकु आहे, बसि हीअ खणी वेंदा वेंदा मसालो, अच्छी तरह हाथ से प्रेस करते जाएं। अगर चनों का पाउडर नहीं है तो बेसन भी आप इसमें डाल सकते हैं 4 खाने की चम्मच। ठीक है, साथ साथ हम फ्राइंग पैन भी रखते हैं, जब हमारे 5-6 कोफ्ते तैयार हो जाएंगे तो फ्राइंग पैन रख के और इसको गर्म करते हैं और इसमें ऑयल डाल के कोफ्तों को फ्राई करना शुरू करते हैं। रेसिपी वरी रिपीट कराएं पियो, मच्छी जे कोफ्तन ला 1/2 किलो मच्छी खाई। ठीक है, कोशिश कजो बगैर कंडे जे मिली वने या बोनलेस मिली वने, बगैर हड्डी जे जी पीसिस मिलंदा आहिनि मार्केट में मिली वेंदा आहिनि, अगर ना आहिनि त छिलके वारी खल सां गॾु मच्छी खे। जी पहिरीं कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी, मुझे मछली फ्राई करना सिखा दे प्लीज। मछली तो मैंने बहुत सारी फ्राई करना सिखाई थी, आपने शायद देखा नहीं, इसी महीने में हमने बहुत सारी मछली की रेसिपीज बना दी हैं, आप मेरे पेज पे देख लें या तो फिर सॉरी थोड़ा वेट करें 2-3 दिन में सॉरी 2-3 दिन में फिर हम मछली बनाएंगे। ठीक है, ओके थैंक यू सॉरी। अच्छी तरह इसको हमने प्रेस करना है और ये कोफ्ते पे मैं ऑयल गरम करके कोफ्तों को फ्राई करके निकालूंगा। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करें। वेलकम बैक नाज़िम, ब्रेक थियण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेके कोफ्ता तयार थियनि पिया, हिन जी रेसिपी हाणे रिपीट करायां थो, हिन खे मां फ्राई कयां पियो। हीअ तव्हां ॾिसंदो गोल्डन कलर अचे पियो, ठीकु आहे, कोफ्तो को गोल्डन कलर आ रहा है। पूरी रेसिपी ॿुधाई थो छॾियां, मच्छी वठंदो 1/2 किलो जेतिरो हुजणु खपे पीस, या मथे बि हुजे 3/4 जेतिरो बि हुजे, मच्छी खे तव्हां कतला कराए छॾिजो, पोइ हुनखे पाणी बॉयल कजो, पाणी बॉयल करे हुनमें 3 मिंट मच्छी खे बॉयल करे कढी वठिजो, थधी थी वञे पोइ हुनजा सॼा कंडा वई, भले मिठे पाणी जी मच्छी में त तव्हांखे कलाकु लॻंदो कंडा कढण में, समुंड जी मच्छी में 15 मिंट लॻंदा, 10 मिंट लॻंदा, अगरि बग़ैर कंडनि जे मिली थी वञे त वेल एंड गुड आहे, उहो ज़बरदस्तु आहे। ठीकु आहे, मच्छी जा सॼा कंडा कढी वठंदो, हिन जो कीमो भोरे छॾिजो, हथ सां मशीन आहे त मशीन में कजो, न त उखरी मोरी में कुटे वठिजो। जी कॉल वठूं था पहिरीं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बेटा जीते रहो, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? मैं खैरियत से हूँ, शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है, बस वो थोड़ी सर्दी है। हाँ जी हाँ, लेकिन आज तो नहीं है इतनी, आज बैलेंस है जी बिल्कुल। हाँ आज बैलेंस है। हाँ। मैंने कहा ये मैंने आपके कोफ्ते मैंने पहले बताया था ना कि बैक डेटेड देख के बना लिए थे। जी 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 हाँ, लेकिन आज भी है, फिश तो पड़ी होती है, इंशाल्लाह मैं जरूर बनाऊंगी। कल क्या बनाया था? कल मैंने देखा ही नहीं था, बल्कि सुबह भी नहीं देखा। कल मैंने बनाया था चिकन मलाई बोटी हांडी बनाई थी। अच्छा जी हाँ,
लेकिन मेरा ख्याल में वो गाजर का हलवा और ये कल वाला अपलोड नहीं हुआ, मैं क्योंकि बाद में उसमें देख लेती हूँ। हाँ हाँ, गाजर का हलवा आज मैं भी देख रहा था, यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ हुआ है, पूछता हूँ। वो भी नहीं हुआ हुआ, कल वाला भी नहीं हुआ हुआ। जी जी, मैं भी आज ही सुबह देख रहा था, अपलोड नहीं हुआ हुआ। हाँ। तो मैं आज बात करता हूँ इनसे कि फौरन कर दिया करें ये चीजें ना, क्योंकि मैं अगर मिस हो जाता ना तो फिर मैं यूट्यूब पे देख लेती जी। और काफी लोगों की लाइट का भी इशू होता है ना, तो फिर वो मुझे मैसेज करते हैं पेज पे कि अपलोड नहीं हुआ, तो मैं बात करता हूँ इनसे। तो वो मैं देख रही थी, मैंने कहा चलो कल नहीं देखा तो आज देख लेती हूँ। आज मैं 12 बजे भी मुझसे थोड़ा सा मिस हो गया जी, तो वो मैंने भी बहुत जबरदस्त चिकन निहारी बनाई थी। अरे वाह, ऐसी जबरदस्त कि मैं बताई थी अपने मसाले की। अच्छा, मेरे यहाँ तो कभी कोई डिब्बा आता ही नहीं है किसी चीज का भी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अपने मसालों में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। नहीं, बहुत अच्छा, बड़ा ओरिजिनल टेस्ट आता है जी, बिल्कुल। तो बल्कि मेरे बेटे साहब फरमाइश भी करके गए कि मुझे दावत करनी है तो आप दम का कीमा बहुत सारा बना के दें, कितने तक का बना सकती है। मैंने कहा 5 kg तक का तो बना सकती हूँ। हाँ, फिर तो बना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, चलो मेरी भी ख्वाहिश कभी पूरी कर देना। आप मुझे रेसिपी तो भेजें। रेसिपी तो मैं भेज दूंगी जी, मैं तो खुद आके बनाना भी चाहती हूँ, वो ख्वाहिश पूरी कर देना। वो फिर या तो आप यहीं पे आ जाएं इसी स्टूडियो में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी शिफ्ट होने का हो रहा है, क्योंकि ये कोरोना वगैरह का ही चक्कर अभी चल रहा है। और थोड़ा अभी तो होना भी नहीं बेटा, जो जगह है वहीं पे टिके रहो। हाँ, शिफ्ट नहीं हो रहे, और फिर पहले शायद न्यूज डिपार्टमेंट जाएगा, देन हम लोग लाइव वाले जाएंगे, तो मैं भी रमजान यही निकल जाए या रमजान से पहले हो तो आप यहाँ आ जाए। इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। आप भी बेटा। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब ये कोफ्ते हो गए फ्राई, ठीक है, कोफ्ते निकालिए। जो कोफ्तों का ऑयल है वही हम पतीले में यूज करेंगे, ठीक है। कोफ्तन जो जेको ऑयल असा अध कप खयो हो, आधा कप ऑयल लिया था कोफ्तों का, वही पतीले में यूज होगा। अब पतीला निकाला, ये हाफ कप ऑयल इसमें चला गया, ठीक है। ऑयल ये ज़ाया ना करें, आराम से आपके यूज़ हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, प्याज का पेस्ट। प्याज ले लें, एक बड़ा या दो मीडियम साइज़ के प्याज ले लिया, जूसर में डाल के, जग में, ब्लेंडर में, और इसका आपने पेस्ट बना लेना, ठीक है। ब्लेंडर हूँ जो जग हूँ जूस कढ़ण वो, उनमें तव विझी जो पेस्ट कड़ी वजह, थोड़े से पानी से कर, थोड़ा सा पानी लिया और उसके साथ आपने पेस्ट बना लिया, बड़ा एक प्याज या दो छोटे मीडियम साइज के प्याज, ठीक है। अच्छा, रेसिपी रिपीट कराएं पे, मच्छी जो मैं बुधायो पे कि मच्छी जा तहाँ पीसेस करें, टे मिनट पानी में बॉयल करें, मच्छी कटी वट जो थदी कजो, पोंजो खल लाही छजो, उन पीसेस करें, जो कंडा सजा कटी छजो, टे पा खणंदो तो अध किलो जो गोश्त निकलो, ठीक है। उन्हें का पोता छा कंदो, उखरी मोरी में या मशीन में एक गंड बसर जी बिल्कुल बारीक कुटे वट जो, टे अध सावा मिर्च कुटे वट जो, अगर तिखा वारा आइन तो एक विझ जो, मोटा वारा मिर्च तो टे विझ जो, टे अध सावा टे खणी चमचा सावा धाणा विझ जो, टे शयन के कुटे चंगी तरह बारीक करे, वो या तो हथ से चूरो करे बिल्कुल मच्छी जो मिलाए छो, या पो है ना तो उनमें मशीन में लाए छो, पो लीमे जो रस विझो एक खाने जो चमचो, अदरक थूम जो पेस्ट विझंदो या सिर्फ थूम जो पेस्ट विझ छो एक खाने जो चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, हेड अध चाय जो चमचो, पीठल दाणा एक चाय जो चमचो, जीरे जो पाउडर कुटे विझंदो एक चाय जो चमचो, उनसा गड तुम गरम मसालो पाउडर विझंदो अध चाय जो चमचो, ठीक है। आई बस पो इनके चंगी तरह तां उनमें मिक्स कंदो, मिक्स करण का पो या ग्राइंडर में हलाई छजो, कढ़ी पो भुगड़न जो पाउडर छखाण जो चमचो विझी चंगी तरह मिक्स करे, ऑयल सा हथ आला करे कोफ्ता ठाए इनके फ्राई कजो अध कप ऑयल में, उन्हीं ऑयल कोफ्ता कढ़ी पो उन्हीं ऑयल में असा बसर जो पेस्ट एक कप विधो है। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक है आदा? अल्लाह जो शुक्र, तां बतायो अनम गलायो पिया? जी हाँ आदा, अनम थी कर रहे हैं। अच्छा, इतने अरसे का पो तां कॉल करी, दिसो मां सुजाणी रस तां के। हां आदा, तई ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। छो एडो गायब छो थी वियो? हां आदा, वो सा चैनल अचे ही कोन पियो लई टाइम खां थी। हाणे भी न पियो छे? न आदा, हाणे कोन पियो छे, हिनर मो फोन कई मो ता प्रोग्राम जले मिस कंदा आई आदा, आई दुआओं बन तां हमेशा खुश जो आबाद जो। आमीन। ता केबल ऑपरेटर सा छो न गलाईंदा हो, छो होते न थो छे? न गलायो अक्सर अगे तां भी कयो करे हुन नॉन कयो हो, वरी एडा काफी मतलब यो डिस्टर्बन थी है या तां उनी करे मतलब नथा ऑनलाइन करन सफा। अच्छा अच्छा, ठीक है। बेओ खावे पूरी टीम के सलाम, सब खैरियत है? कोफ्ता ठाए वाला था। हां, फिश जा कोफ्ता ठाए पे, घर में सब खैरियत है? ता ठीक है?
अलहमदुल्ला बिल्कुल ठीक ठाक मां वही सोचंदो माचो अलग छा मस याद रखना है ना सबनिन के याद कंदो आया सब कॉलर आदि शाजिया भी सफा गायब थी वया ता भी गायब थी वया माचो अलग छा गल है छा असा के तई मतलब याद हुंदा है आई मतलब यही टाइम असा याद हुंदा है दादा ने प्रोग्राम कंदो हुंदो दादा कदे कदे नेट ते दिस नहीं पर जो लाइव दिसन में मजो वो अदा हां लाइव लाइव जो पांजो में मजो हुंदा है बिल्कुल वो भी कोशिश कयो केबल ऑपरेटर सा गलायो के सिंध टीवी छो ना पहुंचे के पे ऑपरेटर से गलायो सेट करायो उनके ना जी हां बिल्कुल अदा सब नदिन के सलाम आई असन दुआओं के कंटिन्यू प्रोग्राम बंदा वालेकुम अस्सलाम पंजो ख्याल लगो ठीक है मेहरबानी जी हां मेहरबानी अदा थैंक यू अल्लाह पे प्याज को ब्राउन करें ठीक है। अच्छा यहाँ तक की रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ, बोनलेस हमने फिश ली थी या फिर बोन के साथ फिश हड्डी वाली ले लें, वो मीन्स के कांटे वाली फिश ले लें जो भी आपको मिल जाए। पानी बॉयल करना है, 3 मिनट फिश को डाल के आपने निकाल देना है, फिर ठंडा करके कांटे हैं तो वो निकाल दें, अगर कांटे वाली नहीं है बोनलेस है तो फिर आपने उसको चूरा कर दें हाथ से ठीक है, थोड़ा ठंडा करके। फिर चॉपर में आपने एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला, 3 अदद हरी मिर्चें मोटी वाली, अगर बारीक है तो 1 से 2 डालिएगा वो बहुत तेज़ हो जाएगा। अदरक लहसुन का सॉरी हरा धनिया 3 खाने के चम्मच डाल के इसको चॉप कर लें, अगर वो नहीं है तो इमाम दस्ते में या सिलबट्टे के ऊपर कूट लें इसको ठीक है, पेस्ट सा बन जाएगा। उसके बाद आपने फ़िश का कीमा उसमें मिला देना, उसको चला लेना, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लेमन जूस 1 खाने का चम्मच डालना है, उसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, जीरे का पाउडर आपने डाल देना है 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच डाल के इसको अच्छी तरह चला लें या मिक्स कर लें। फिर उसके बाद चनों का पाउडर 6 खाने के चम्मच आपने डाल देना है और उसको अच्छी तरह मिक्स करके ऑयल से हाथ गीला करके, अगर ड्राई हो रहा है तो थोड़ा सा पानी का छींटा 2-3 टेबल स्पून डाल लें, हाथ गीला करके ऑयल से और ग्रीस करके फिर आपने कोफ्ते बना के 1/2 कप ऑयल के साथ फ्राई करने, कोफ्ते निकाल के फिर उसी ऑयल को पतीले में डाल के उसमें 1 कप प्याज का पेस्ट, यहाँ पर फ्राई हो रहा है जब तक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, तुम बताओ कि कितना गला हो क्या तां मुझे पेज ते ॾिसी वठो, यूट्यूब ते भी ॾिसी सघो था, मुझे पेज है फेसबुक ते कुकिंग विद शेफ फैसल, होते ॾिसी वठो, सब रेसिपीज अपलोड थी वयूं आहिनि, लिखत में भी आहिनि ऐं वीडियो भी आहिनि। उहो मां अॼु कोन अपलोड थी आहे, अॼु थी वेंदी, मां हींअर पुछां थो हिननि खां प्रोग्राम खां पोइ इनशाला अॼु अपलोड थी वेंदी ठीकु आहे। तव्हांजी खोड़ महिरबानी, घणी महिरबानी तव्हां इहो ठाहियो, कोफ़्ता मूंखे ॾाढी हुई नंढी। हा ॾिसो पिया न पूरी रेसिपी बस हाँ यूट्यूब ते ॾिसंदसि। छो हींअर हले पियो न लाइव? हा त अॼु पियो हले, राति त मूंखां मिस थी वियो। मां रिपीट करायां पियो, तव्हां ॾिसंदा वञो। प्याज का पेस्ट हो गया, जैसे इसमें हमने डाल दिया लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन है तो अदरक लहसुन डाल दें, लहसुन का पेस्ट बना के डाल दें 1 खाने का चम्मच, उसमें भी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें या लहसुन का पेस्ट डाल दें कोफ्तों में ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। अब इसको और भूनेंगे, खुशबू आएगी अदरक लहसुन की। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट ठीक है, जैसे ऑयल ऊपर आने लगेगा हम इसमें डालेंगे 2 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के लाल टमाटर, उसको भी जूसर ब्लेंडर में डाल के थोड़े से 1/4 कप पानी के साथ ब्लेंड कर दिया ठीक है। जूसर जग में इनके विझी टमाटन के मीडियम साइज़ जा टमाटा इलाही वड़ा ना हुजन छाकाणि त ॾही बि विझी टमाटा विझी ऐं टमाटन खे बि तव्हां ब्लेंड करे छॾिजो थोरो 4 खाइणी सम्झो पाणी सां गॾु ठीक आहे। टमाटर के साथ मसाला भुनेंगे। अब हम इसमें जो मसाले डालेंगे वो आप देख लें, ये पूरा इसमें प्लेटर में है, एक इसमें 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ठीक है, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और ये है हमारे पास ज़ीरा भुना कुटा हुआ सॉरी ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, यहाँ पे हमने डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, अजवाइन 1/2 चाय का चम्मच,
और जीरा पाउडर एक चाय का चम्मच, ठीक है। जीरो पाउडर एक चाय जो चमचो, अजवाइन अध एक चाय जो चमचे का थोड़ी घट खंड, जो कुटियल कारा मिर्च विझंदासीं इनमें अध चाय जो चमचो, मेथी खुशकवारी एक चाय जो चमचो, जीरे जो पाउडर एक चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर अध चाय जो चमचो, ठीक है। लूण अध चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, हेड एक चाय जो चमचो, पीठल दाणा ब चाय जा चमचा, और पीठल गाढ़ा मिर्च इनमें विझंदासीं एक चाय जो चमचो। अब ये सारे मसाले इसमें चले गए, ठीक है। सारे मसाले डाल दिए, किसी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच, धनिया पाउडर दो चाय के चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, जीरा पाउडर एक चाय का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच या उससे थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकती हैं, कसूरी मेथी एक चाय का चम्मच, और उसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच। मसाले को भूनेंगे, अच्छी तरह इसका कलर निकल के आएगा। कश्मीरी लाल मिर्च पड़ी हुई हमारे पास, मैं देखता हूँ अगर होगी तो कश्मीरी लाल मिर्च भी हम इसमें डाल देंगे एक चाय का चम्मच, ठीक है। कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें एक चाय का चम्मच जाएगा, इससे क्या होता है कलर बहुत अच्छा आता है सालन का, ठीक है। कश्मीरी गाढ़ा मिर्च इनका बोर्ड जो जो कलर होंगे भाजी जो ढो सुठो ही है। कश्मीरी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच डाल दिया, इससे कलर आता है बहुत अच्छा सालन का। मसाला भुनाई पे आ गया, जब मसाला भुन जाएगा तो हम यहाँ पे दही लेंगे। दही हमारे पास कितनी है, आधा पाव, आधा पाव दही को बीट करके इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छी तरह आधा पाव दही बीट करके इसके ऊपर डाल दिया, अधा पाव दही विझी छी, दही विझी दही के भुंजंदासी ब मिनट सबर कयो, दही भुनेंगे, ठीक है। दही का जैसे पानी ड्राई होगा, अच्छी तरह दही को भुनेंगे। दही का जैसे पानी ड्राई होगा तो इसमें हम पानी डाल देंगे, कितना, चार कप, चार कप पानी विझंदासीं, ठीक है। ब मिनट लेट करे शुरू को मसलो है, दही को भूना मसाले के साथ, दही के भुनियो मसाले से गड, जद जो ऑयल मथे अची तो इनमें टे का चार कप पानी विझंदासीं। ठीक है, चार कप पानी डाला, पानी जब बॉयल होने लगेगा, ठीक है, फिर हम इसमें जब अच्छी से बॉयलिंग आएगी फिर हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। तीन कप या चार कप पानी डाल के बॉयलिंग आएगी, कोफ्ते डालेंगे, कोफ्ते डाल के इसको पाँच मिनट तक तेज़ आंच पे पकाना है, उसके बाद दम पे रखेंगे। दस मिनट के लिए एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक थे का पहले तीन सामू जो कोफ्तन की रेसिपी टाइप मच्छी जो कोफ्ता है, इनके लिए पानी जो असा विधो, पानी विझी इनके बॉयल किया, ठीक है। पानी डाल के इसको बॉयल किया पानी को, ताकि पानी का कच्चापन खत्म हो जाए, शोरवा टाइप का बन जाएगा, ठीक है। इसमें बॉयलिंग अच्छी आनी चाहिए, पाँच मिनट तक जब ऑयल ऊपर आने लगेगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें फ्राई किए हुए कोफ्ते डालेंगे, ठीक है। पानी विधो ट्रे कप या चार कप पानी विझी, उनके पंज मिनट बॉयल कजो, चंगी तरह पानी के बॉयल कजो, भाजी जो रस जो है वो घाटो थे शुरू थी वाले, ठीक है। सफ़ा पानी जो विधो, उनको कच्चो बन सफ़ा खत्म थे, ऑयल मथे चो, उनका पोसा इनमें कोफ्ता ऐड करना से। अब जो कोफ्ते हैं ये सारे इसके अंदर डालते जाएंगे, बारह कोफ्ते हैं, ठीक है। अगर छोटे बनाएंगे तो 15 से 16 बन जाएंगे, लेकिन ये मीडियम साइज़ जो कोफ्ते का साइज़ होता है वही मैंने बनाया, ठीक है। 12 कोफ्ता हैं, हाने छा कंदासी पतीले के झली, या तो इन तरीके से बिन्हीं पासन का हिलाए जो, या पो चमचे से इस तरीके से कोफ्तों को हिलाएं, या ये तरीका है कि हल्के हल्के इसको जगह से चेंज करें ताकि दोनों साइड डिप हो जाए, ठीक है।
अभी भी चूल्हा में कवर नहीं करूँगा, क्योंकि हम जब कच्चे कोफ्ते डालते हैं तो हम उसे कवर करते हैं कि उसे पकाना होता है, ठीक है। ये पके हुए कोफ्ते हैं तो इसलिए अभी इसको कवर नहीं करें, इसको 2-3 मिनट इस तरह पकने देंगे, ठीक है, 5 मिनट पहले, उसके बाद 2-3 मिनट और पकने देंगे। इसको अभी फ़ौरन कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये कच्चे नहीं हैं कोफ्ते। जब कच्चे कोफ्ते होते हैं उसको कवर किया जाता है, उसको 25-30 मिनट तक पकाया जाता है, ठीक है। एक कच्चा नाहिन फिश भी बॉयल थी, वही भी ट्रीटमेंट हो अधिक 50% बॉयल थी भैया, 50%, ठीक है। उनका पो फ्राई भी थी आता हो, तकरीबन फ्राई थी भैया, तैयार थी कोफ्ता, ठीक है। आई बोर्ड में भी व्या तो उनका पो ही वधिक फ्राई बिल्कुल तैयार थी व्या, बची हुई 5 मिनट में। फिश हमने जब 3 मिनट बॉयल की थी, 7-8 मिनट में फिश तैयार हो जाती है, ठीक है। फिश हमने बॉयल की थी 3 मिनट, वो लगा लें, फिर उसके बाद 3-4 मिनट एक एक कोफ्ता फ्राई होता रहा 5-5 मिनट तक, चारों तरफ से वो अंदर तक डन हो गई। उसके बाद ये शोरबे में गई है लिक्विड में, तो ये मज़ीद पक रही है, तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी, इसलिए इसको इतनी जल्दी हम कवर नहीं करेंगे, 3-4-5 मिनट और पकने देंगे। उसके बाद इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के इसको हम कवर कर देंगे। इसके साइड्स पलट रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि अच्छी तरह अंदर तक इसमें रस चला जाए इसका, ठीक है। कोफ्तन जी रेसिपी बार बार मैं रिपीट कराई है, काशे समझ ना अचे तो सुबाने 12 बजे रिपीट में इसी वर्जो, जिन जी फरमाइश हुई तो प्लीज़ नोट करे वर्जो। इस तरह शोरबा इसके ऊपर भी डालते जाएं ताकि ड्राइनेस इसकी नहीं रहे, अंदर तक सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसको हम कवर करेंगे, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद साबित, 5 का 6 अदद साबित सावा मिर्च, होने का पो सावा धाना बखंड जो चमचा, 2 खाने की चम्मच हरा धनिया, थोड़ा सा बचाएंगे ऊपर से गार्निश के लिए, 2 खाने की चम्मच हरा धनिया डाल दिया। इसको कवर करके 10 मिनट में दम पे रखेंगे, फिर निकाल देंगे, ठीक है। 10 मिनट इनके दम पे रखंदासी पुकड़ी वठंदासी कॉल वठूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है ठीक है। और एक तो ये क्या नाम की आवाज सुनी, बड़ा अच्छा लगा, बहुत दिन बाद उनकी कॉल आई जी। मैं हमें 3-4 महीने बाद कॉल की उन्होंने। बहुत टाइम हो गया ना, तो थोड़ी वैसे फिक्र हो जाती है जब रेगुलर कॉलर्स ना आ रहे हो तो जी थोड़ी फिक्र होती है, लेकिन खैर अल्लाह सबको कैरियर से रखे। आमीन। अच्छा आप जो कोफ्ते बना रहे हैं बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। अच्छा इसी तरीके से अगर हम लोग इनको जैसे वो होते हैं ना कच्चे सीमे के कबाब, चपली कबाब जी, तो उस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं? मतलब उसको किस तरह कन्वर्ट, कोफ्तों में? नहीं जैसे कोफ्ते हैं ना, कोफ्ते तो ठीक है आप करी में डाल के बना रहे हैं, जी लेकिन जी। अगर इनको हम लोग वैसे ही जैसे फिश, फिश को लाइक बना ले तो मेरा ख्याल भी वो भी मजे का लगेगा, चाय के साथ के लिए या कोई ऐसी। मीन्स के आप चाह रही हैं कि फिश के कबाब या फिश के जैसे चपली का? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ आप उसमें मकई का आटा, ये सॉरी चने का आटा भी डालिएगा, ठीक है। बाकी सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ सालन में नहीं जाएंगे, बाकी इसके बाद आप इसको चपली कबाब का, शामी कबाब का शेप दे दें, इसको आप अंडे की और ब्रेड क्रम की कोटिंग भी करके फ्राई कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं जो भी करना चाहें। जी बिल्कुल इसी तरह हो सकती है, जी जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। अब हम बनाएंगे येलो मिल्क, ठीक है, मैंने काफ़ी दफ़ा रिपीट करा दी है। अब हम बनाएंगे येलो मिल्क। येलो मिल्क के लिए हमने दूध लेना है 1/2 लीटर, आप कम भी बना सकते हैं, दूध को गर्म करेंगे, 1/2 लीटर खीर खाए, बॉयल है दूध, ठीक है, या टेट्रा पैक यूज़ कर लें या बॉयल यूज़ कर लें। जब दूध गर्म होने लगेगा इसमें हमने क्या डालना है, बॉयल दूध में दालचीनी 2 बड़ी स्टिक, अदरक के 2 पीस इस तरह काट के, 3 अदद लौंग और 4 अदद छोटी इलायची, ठीक है। अदरक 1 इंच जो टुकड़ो खाए, जब 2 पीस करे वो, दालचीनी जी 1 डंडी खाई, 2 डंडियों दालचीनी जो वड्यू खाणो, ठीक है, 2 स्टिक दालचीनी की बड़ी ले ली आपने, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद लौंग आपने इसमें ले ली है 3 अदद, ठीक है, और छोटी इलायची 4 अदद नंडा पोटा, 3 अदद लौंग, 2 स्टिक वडी वाली दालचीनी जो, और उनसा गड अदरक जा पीसेस, ये हम इसमें डाल देंगे बॉयल दूध में, ठीक है, कच्चे दूध में नहीं डालिएगा। इलायची जो है उसको तोड़ के डालें,
ताकि इसका फ्लेवर निकल के आए। 3 अदद लौंग डाल दिए, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है, ये ना सोचिएगा कि अदरक डल रही है, ये चीज़ें डल रही हैं, क्यों डल रही हैं, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी, आधे चाय जो चमचो हाइड, इसको मिक्स करेंगे। इसको कहते हैं गोल्डन मिल्क, ठीक है। हल्दी वाला दूध भी कहते हैं, गोल्डन मिल्क भी कहते हैं। हल्दी डाली, अब इसको पकाएंगे, ठीक है। इसको हमने तकरीबन 6-7 मिनट पकाना है हल्की आंच पे। 6-7 मिनट इनके तहाँ पचाइंदो हल्की बाहे ते। और फिर 1 पिंच इसमें काली मिर्च जाएगी बाद में, ठीक है। 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी जाएगी बाद में। 1 चुटकी कारा मिर्च, माखी इनमें विंदो 3-4 खाने का चमचा। शहद जाएगी आखिर में जब इसको हम छान लेंगे। फिर इसमें काली मिर्च डालेंगे 1 पिंच, ठीक है। शहद 3-4 खाने के चम्मच डालेंगे, 1/2 लीटर है तो 4 खाने के चम्मच शहद डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें बादाम का पाउडर डाल के इसको गरम गरम पियेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त है, चेस्ट कंजेशन है, आजकल फ्लू चल रहा है, कोरोना का जिस तरह ये मसला चल रहा है, इसके बचाव के लिए भी बेहतरीन है। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो सर्दी में बहुत ही मुफीद है। वैसे तो चोट लग जाती है, दर्द होता है तो हम हल्दी वाला दूध देते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है फ्लेवर। इसमें इलायची भी है, इसमें दालचीनी का बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, इसमें अदरक का, जिंजर का बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, शहद भी होगा। तो ये आपने ज़रूर बनाना है। बहुत ज़्यादा सर्दी है तो 1-1 कप बना के घर वालों को दें, 1/2 लीटर में 4 कप आराम से निकल आएंगे, ठीक है। कॉल वठूदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसा खुश आयो? अल्लाह जो शुक्र है, तां बुधायो छा लाइन दा जा? हां खैर आए, आज तां मुजी फरमाइश पूरी कई है, इलाही इलाही थैंक यू, मेहरबानी। हां या दिसों से आया को फकान लगी न पे हाने लगी है। अच्छा अच्छा, हां बे खैर आ बा, अल्लाह जो शुक्र है, तां बुधायो सब ठीक है, घर में सब खैरियत है? फरमाइश करनी है, कुछ पूछना है? इसमें 6-7 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट तक हल्की आंच पे आपने पकाना है। बहुत ज्यादा नहीं बॉयल कीजिएगा, फिर ये क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। बस इतना आपने पहले दूध को अच्छे से बॉयल कर दिया, या टेट्रा पैक है तो उसको भी अच्छा सा गर्म कर दिया, ठीक है। ये डाढ़ो जबरदस्त आ है खीर, जुकाम खंग जो खुदा न खास्ता कोरोना का बचाव जला भी आई, उनके अलावा जोड़न में तकलीफ़ थे सर्दी में, आई बारन के खंग जुकाम थे तो नंडे बारन के भी अध कप भली पियन ज़रूर डो नीम गरम, ठीक है। आई पान गरम गरम जो चाय पियंदा आयो उन तरीके से ही गरम पियंदो, ढो जबरदस्त डेली ठाओ। इनमें दालचीनी है, उनका भी इलाही फ़ायदा है, नंढा फोटा भी इनमें विजल है, हाजमो भी थे तो। उनके अलावा इनमें माखी वी, माखी थद में असं वो भी खाईंदा आयो, तो ये सब शयों के अंदर अदरक आए हाजमे ला तमाम बेहतरीन है, गैस वगैरह सब खत्म कर दिया, ठीक है। अब इसमें बॉयलिंग आने लगी है, इसको आप चलाते रहें जब तक इसमें लौंग अदरक और दालचीनी और इलायची की खुशबू आने लगी। अब इसमें से अरोमा आ रहा है, बहुत अच्छी से खुशबू आना शुरू हो गई है। इसको पकाते रहेंगे, उसके बाद इसको छान के इसमें 1 चुटकी 1/2 लीटर दूध में 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर 1 पिंच और शहद डाल के मिक्स करके बादाम डाल के आप गरम गरम इसको सर्व करें। कोफ्ते हमारे तैयार हो रहे हैं, ब्रेक में कितना टाइम है साझे जी? ठीक है, बिल्कुल इजी रेसिपी है, बार बार मैं रिपीट कराई है। सुबह भी मज़ेदार रेसिपी ठाईंदा सी, अज मूँ असल में तांग चयो कि शक्करकंदी जी खीर ठाईंदा सी, छाकाण त मां हिन करे कोन ठाही, शक्करकंदी जी खीर में थोड़ा टाइम लगे, कोफ्तन में टाइम वधीक लगी वियो, त मूंखे अंदाज़ो थी वियो कि कोफ्ता असां ज़्यादा अहमियत रखनि था, माण्हुनि जी फरमाइश भी आहे, त शक्करकंदी जी खीर ॾिसो या त सुभाणे ठाही वठंदासीं, छाकाणि त कोफ्तन में टाइम वधीक लॻो, ही पोइ न ठाही सघां ॿई रेसिपी कंटिन्यू, हिन करे मां अॼु हे वारो खीर ठाहियो आहे, लेकिन हीउ खीर ॾाढो ज़बरदस्त आहे, ठीकु आहे। कोफ्तों की वजह से शक्करकंदी का खीर, शक्करकंदी की खीर का मैंने कहा था, लेकिन मैंने खुद इसको स्किप कर दिया क्योंकि
शक्करकंदी की खीर बनाते हैं तो फिर कोफ्ते भी बनाने थे, उसमें टाइम मेहनत थोड़ा टाइम लगता, मेहनत भी है, तो फिर हम खीर नहीं बना सकते कंप्लीट। तो इसलिए कल देखें, कोशिश करके शक्करकंदी की खीर कल बना देंगे। आज मैंने फिर येलो मिल्क, ये भी ज़बरदस्त है और सीज़न वाइज है ये चीज़, तो आपके लिए बना रहा हूँ। अब इसमें बॉयलिंग आ रही है और इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है, अदरक का अरोमा आ रहा है, दालचीनी का आ रहा है और इलायची का। इसको इस तरह स्पून से चलाते रहें, हल्दी इसके अंदर है बहुत ज़्यादा, हाफ लीटर में दूध में हाफ टी स्पून, एक ग्लास दूध बना रहे हैं तो उसमें फिर चौथा चाय का चम्मच क्वार्टर टी स्पून हल्दी डालेंगे, दो अदद इलायची डाल दीजिएगा, एक अदद लौंग डाल दीजिएगा, एक अदद दालचीनी डाल दीजिएगा, एक से डेढ़ टेबल स्पून शहद जाएगा और काली मिर्च बिल्कुल माइनर सी हाफ चुटकी जितनी, से दो तीन दाने जाएंगे, बिल्कुल अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि उसमें जस्ट फ्लेवर देना है, ठीक है, तेज़ी नहीं देनी है। चंगी तरह मिक्स थे पो कोफ्ता सांझा तैयार थी वैन, कोफ्तों को डिश आउट करते हैं। जब तक मिल्क हमारा अभी बन रहा है, इसको तीन चार मिनट और देंगे, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के दौरान मैं कोफ्ते निकाल दूंगा, मिल्क हम तैयार करेंगे, उसको ग्लास में निकाल कर सर्व करेंगे, ठीक है। शॉर्ट ब्रेक फॉर टू द ब्रेक का पोजी कंटिन्यू कर। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक देने का पहले था सामू ज़बरदस्त एक रेसिपी ठाई, कोफ्ता मच्छी जा कोफ्ता ठाया, ठीक है। फिश कोफ्ते बनाए वो मैंने डिश आउट कर दिए, आप देख सकते हैं मच्छी जा कोफ्ता डिश आउट कर छियान ता डीसी सगोता ज़बरदस्त मथा सावा धाणा विझी छो बेहतरीन ही कोफ्ता तुम जरूर ट्राई करो, मुझे बुधाजो कि कें ठाया, ठीक है। अब हम ये जो गोल्डन मिल्क है इसमें हम ये बिल्कुल बॉयल हो चुका है, तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पे बॉयल हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च बिल्कुल एक पिंच, ठीक है, एक चुटकी सफ़ा काली मिर्च विझंदासीं, इसको अच्छी तरह मिक्स करें दोबारा, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। काली मिर्च का पाउडर एक पिंच आएगा, एक चुटकी कारी मिर्चन जो पाउडर डी हो, ठीक है, एक पिंच काली मिर्च का पाउडर चला गया, ये मिक्स किया। अब इसमें डालेंगे शहद, शहद हम डालेंगे हाफ लीटर दूध है तो इसमें तीन से चार खाने के चम्मच, तीन खाने के चम्मच काफ़ी है, ठीक है, माखी विजी चली और इसको अच्छी तरह मिक्स करें दो मिनट ताकि शहद से इसमें टेस्ट आ जाए, फिर इसके बाद इसको छान लेंगे, माखी विधि, ठीक है, ट्रे का चार खाने से चमचा माखी विधि, ब गिलास ठंडा हिमा, ठीक है, अगर एक गिलास है तो एक का डेढ़ खाने जो चमचो माखी विधि जो, बस ये हो गया तैयार, इसको छान लेंगे, ग्लास में निकाल लेते हैं, कप में निकालना चाहें तो चार कप हो जाएंगे आपके, क्योंकि इसमें जो इलायची है साबित, लौंग है, दालचीनी, अदरक है, वो हमने छान लेनी है, ठीक है। मथा का चॉप थियल बादाम विझी छो, ये पिस्ता आन पिस्ता विझी छो, जी तुटो लगे ड्राई फ्रूट, जो ड्राई फ्रूट आपको अच्छा लगे आप ऊपर से इसमें एक एक टेबल स्पून डाल दें, ठीक है। बार बार रिपीट करा दी है रेसिपी, कोई चीज़ समझ ना आए तो कल रिपीट में देखिएगा, 12 बजे रिपीट चलेगा, ठीक है, सुबह 12 बजे रिपीट हलंदो। ठीक है, ये गिलास से थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए हाफ लीटर से ज़्यादा इसमें आ रहा है, आएगा, क्योंकि ये गिलास थोड़े बड़े हैं जूस वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे बादाम चॉप किया हुआ, ठीक है, चॉप किया हुआ बादाम एक एक खाने का चम्मच, या पिस्ता है तो पिस्ता डाल दें ड्राई फ्रूट में, एक एक टेबल स्पून
चॉप थियल बादाम गरम गरम पीणो है तक ठीक है जी चाय पींदा उन तरीके से गरम पींद ये हो गई कंप्लीट हमारी रेसिपी आज की और टेबल पे चलते हैं ज़बरदस्त असि रेसिपी कंप्लीट थी वही ये ज़रूर आपने ट्राई करना है ठीक है गोल्डन मिल्क यानी हाइट वो ड्राई फ्रूट से गड ज़बरदस्त है खीर आ गड तुझे सामूँ में कोफ्ता ठीक है कोफ्ते बनाए कोफ्ते भी ट्राई कीजिएगा और ये भी ट्राई कीजिएगा तो मुझे बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी ठीक है कल 12 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें शेयर करें अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा कल इंशाल्लाह मज़ेदार रेसिपी के साथ मुलाकात होगी दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह सुभाणे 12 वगे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ ऐसा मुझे पेज है तो रेसिपी अपलोड थी वीडियो ऐसा ना सर्च कर सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब से सब्सक्राइब कर शेयर करोड़ सारा ख्याल रखो सुभाणे भी नई रेसिपीज होंद मज़ेदार रेसिपीज ठाईंदी इंशाल्लाह सुभाणे मुलाकात थी दुआ में याद रखो लाफि हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।